हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो यार 2023 तो चला गया, बहुत जल्दी चला गया, पर चला गया। पर 2023 के अंदर एंड्रॉइड पर काफी सारे तगड़े तगड़े गेम्स लॉन्च हुए हैं और कुछ गेम्स को प्ले स्टोर ने बेस्ट गेम ऑफ 2023 का अवार्ड भी दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 10 बेस्ट गेम्स फॉर एंड्रॉइड ऑफ 2023 के बारे में बताने वाला हूँ। तो यार लिस्ट के सारे गेम्स बहुत ही ज्यादा तगड़े, इसलिए सीट बेल्ट पहन लो क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो यार फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस लिस्ट वन वाले जो 10th नंबर का गेम है उसका नाम है कॉल ऑफ ड्रैगन। ये एक स्ट्रेटजी गेम है जिसके अंदर आपको काफी सारे तगड़े तगड़े हीरोज देखने को मिलेंगे जिनके पास स्पेशल पावर्स होंगी, एबिलिटीज होंगी जिनको आप अपग्रेड कर सकते हो और अपग्रेड करके सामने वाले एनिमी को पूरा खत्म कर सकते हो। ऐसा मारो कि वो दोबारा गेम ही ओपन ना करे। यहाँ पर आपको एक काफी बड़ा मैप देखने को मिलता है जिसको आप लोग एक्सप्लोर करोगे, आप लोग अदर प्लेयर के बेसिस के ऊपर अटैक करोगे, अपने एम्पायर को बिल्ड करोगे, अपने किंगडम को एक्सपैंड करोगे, अपने आर्मीज को ट्रेन करोगे जिससे कि वो एनिमीज के बेस को इजिली खत्म कर दें। एनिमी भी सोचे कि यार कल तक तो सब बढ़िया था, अभी एकदम से क्या तबाही मच गई है। एकदम वक्त बदल दो, जज्बात बदल दो एनिमीज के। यार इस गेम को भी प्ले स्टोर ने बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम ऑफ 2023 की लिस्ट में रखा है। यार ओवरऑल गेम बहुत ही प्यारा है। अगर आप लोगों ने इस गेम को खेला है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और नहीं खेला है तो आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो कैसा लिस्ट मान वाले जो 9th नंबर का गेम है उसका नाम है डस्क ऑफ ड्रैगन्स। गेम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में देखने को मिल जाएगा। गेम का साइज आप लोगों को 715 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। आप लोग कश्मीर में अपना बेस बिल्ड करोगे जहाँ पर आप अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हो, एंड यहाँ पर आपका एक फ्रेंड ड्रैगन होगा जो कि आपको मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेगा। आप लोग डिफरेंट बॉसेस से फाइट करोगे जिनको आप लोग मारोगे। आप लोग अपने फ्रेंड के साथ रहोगे तो यार गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप लोग एपिक बॉसेस से फाइट करोगे। ये एक सैंड बॉक्स गेम है। बात करें गेम के ग्राफिक्स की, वो भी बहुत ही ज्यादा तगड़े थे और ओवरऑल गेम बहुत ही ज्यादा शानदार है। आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा लिस्ट मान वाला जो 8th नंबर का गेम है उसका नेम है बैटल स्टार। एशिया के नंबर 1 गेमिंग यूट्यूबर टेक्नो गेमर्स का गेम बैटल स्टार 4.5 की रेटिंग प्ले स्टोर पर बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम्स ऑफ 2023 यूजर चॉइस अवार्ड और भी बहुत सारे रिकॉर्ड इसने अपने नाम कर लिए हैं। और आप में से बहुत सारे लोग इस गेम को खेल चुके होंगे या फिर खेल रहे होंगे, और मैं अपना क्या बताऊं, मैंने तो इस गेम को इतना ज्यादा खेला है कि मैं टॉप 100 प्लेयर्स में आ चुका था, बट मैं टेक्नो भैया से नहीं मिल पाया। अब क्यों नहीं मिल पाया, आप लोग डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, चेक कर सकते हो। अब यार मुझे नहीं लगता कि मुझे इस गेम के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है। आप में से काफी सारे लोग इस गेम के बारे में बहुत सारी चीजें जानते होंगे, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक इंडियन गेम है। यहाँ पर आप लोगों को टेक्नो गेमर्स के साथ साथ और भी अदर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। हर कैरेक्टर के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसका यूज करके आप लोग एनिमीज को किल कर सकते हो, उनकी एबिलिटीज को आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। डिफरेंट मैप देखने को मिलते हैं जिनको आप लोग एक्सप्लोर करोगे, उन मैप्स में आप लोग अपने फ्रेंड के साथ जाकर फाइट करोगे। आपको बहुत सारे तगड़े तगड़े वेपन्स देखने को मिलते हैं जिनको आप फुल्ली अपग्रेड कर सकते हो। जितने तगड़े वेपन्स होंगे उतने जल्दी सामने वाला एनिमी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट मोड देखने को मिलते हैं जिनको आप अपने फ्रेंड के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। तो यार अगर आप लोगों ने इस गेम को खेला है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको गेम कैसा लगा, और अगर आप लोगों ने नहीं खेला अभी तक तो कोई बात नहीं यार, आप जाकर आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो कैसा लिस्ट वन वाले जो 7th नंबर का गेम है उसका नाम है डाउनलैंड्स। गेम आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में देखने को मिल जाएगा, एंड गेम का साइज आप लोगों को 840 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। गेम के अंदर आपको ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलेगा जिसको आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर अकेले एक्सप्लोर कर सकते हो। आप लोगों को 100 डिफरेंट क्राफ्टिंग मटेरियल देखने को मिलेंगे जिससे आप अपना प्यारा सा घर बनाओगे, बेस को बिल्ड करोगे, आप लोग वेपन को क्राफ्ट करोगे जिससे कि खतरनाक और तगड़े मॉन्स्टर्स को आप लोग इजिली मार पाओ। आपको मल्टीप्लेयर मोड देखने को मिलेगा जहाँ पर आप अपने 3 और फ्रेंड्स के साथ डाउनलैंड को एक्सप्लोर करोगे, मॉन्स्टर्स को मारोगे, एंजॉय करोगे। आपको पूरे लैंड पर सर्वाइव करना होगा जहाँ पर काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर करना होगा। काफी ज्यादा मजा आएगा गेम खेलने में, एंड बात कर गेम के ग्राफिक्स की, वो भी बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। फिर ओवरऑल गेम बहुत ही औसम है। आप लोग इस गेम को भी एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो गाइस लिस्ट वन वाला जो 6th नंबर का गेम है उसका नाम है रोड टू वैलोर। इस गेम के बारे में मैं क्या ही बोलूं, इनके पापा का नाम ही काफी है। हाँ मैं बात कर रहा हूँ क्राफ्टन की। आप में से काफी सारे लोग इस गेम के बारे में जानते होंगे, इनके टूर्नामेंट्स भी चलते रहते हैं, काफी बड़े बड़े यूट्यूबर इस गेम को प्रमोट करते हैं। क्यों विशाल पैसे क्यों दिखा रहा है भाई। फिर भी जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये एक पीवीपी गेम है। आपके पास एक बहुत बड़ी आर्मी होगी जिसको आप लोग अपग्रेड कर सकते हो और फिर एनिमीज को पूरा खत्म कर सकते हो। आप लोग वॉइस चैट कर सकते हो, अपने हीरो को वॉर पर भेज सकते हो, आप लोग डिफरेंट क्रिएचर्स एंड मॉन्स्टर से फाइट करोगे, आप लोग अपने फ्रेंड के साथ टीम अप करके भी गेम को खेल सकते हो जिससे कि आप और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ। इस गेम को भी प्ले स्टोर ने बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम्स ऑफ 2023 की लिस्ट में ऐड किया है। तो अगर आप लोगों ने इस गेम को खेला है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि
आपको ये गेम कैसा लगा और नहीं खेला है तो यार एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो गाइस लिस्ट वन वाला जो फिफ्थ नंबर का गेम है उसका नाम है हैरी पॉटर। गेम आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगा एंड गेम का साइज आप लोगों को 2.6 GB के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने हैरी पॉटर देखी होगी, कुछ लोग मेरी तरह होंगे जिन्होंने नहीं देखी है, तो कोई बात नहीं यार आप लोग ये वाला गेम ट्राई कर सकते हो। आप लोग मास्टर करोगे मैजिक को, आपको बहुत सारे कार्ड देखने को मिल जाएंगे जिनको आप लोग कलेक्ट करोगे। आप लोगों को पीवीपी एंड पीवीई मोड देखने को मिल जाएगा। आप लोग हैरी पॉटर की फुल स्टोरी देखने को मिलेगी जिसको आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। लोग काफी सारी चीजों को कस्टमाइज करोगे, आप लोग हॉगवर्ट्स को एक्सप्लोर करोगे, फाइट करोगे प्लेयर्स के साथ, आप लोग मॉन्स्टर्स को भी मारोगे एंड बैटल करोगे क्रिएचर्स के साथ, आप लोग हाउसेस को ज्वाइन करोगे। क्विडिच नाम का एक गेम होता है जिसको आप लोग खेलोगे, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, अगर आप लोगों ने खेला या फिर कभी हैरी पॉटर में देखा है तो मुझे बताना कि क्या होता है। और बात करें गेम के ग्राफिक्स की वो भी बहुत ही ज्यादा तगड़े, तो यार ओवरऑल गेम बहुत ही औसम है, आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो कैसा लिस्ट मान वाला जो फोर्थ नंबर का गेम है उसका नाम है अनडाउन। गेम आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में देखने को मिल जाएगा एंड गेम का साइज आप लोगों को 366 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये एक ज़ॉम्बी शूटिंग गेम है जहां पर आपको ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लोगों को माइंस, डेजर्ट, अबैंडन्ड सिटीज को एक्सप्लोर करोगे। आप लोग अपने बेसेस को बिल्ड करोगे, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, आप लोग अपने हिसाब से सर्वाइव करोगे। गेम के अंदर आप लोगों को हैवी रेन, हीट, स्नो, स्टॉर्म और भी बहुत सारे डिफरेंट वेदर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। आपको डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिनको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। आप लोग अपने फ्रेंड के साथ गेम को खेलोगे, उनको प्रोटेक्ट करोगे, उनसे वेपन की ट्रेड कर सकते हो, आपको डिफरेंट वेपन्स देखने को मिलते हैं। और यार इस गेम को भी प्ले स्टोर ने बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम्स इन 2023 की लिस्ट में ऐड किया है। आप लोगों ने इस गेम को खेला है या फिर नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और नहीं खेला है तो यार आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो कैसा लिस्ट मान वाला जो थर्ड नंबर का गेम है उसका नाम है एडवेंचर रीबॉर्न। गेम आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगा एंड गेम का साइज आप लोगों को 140 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। गेम की स्टोरी कुछ इस टाइप की है कि आप लोग एक गर्ल कैरेक्टर को फॉलो करते हो और वो अपने पेरेंट्स को बचाती है। और यार गेम की स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। स्टोरी के अंदर आपको काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, आप लोग काफी सारे मिस्टीरियस को सॉल्व करोगे, आप लोग पजल्स को सॉल्व करोगे, मॉन्स्टर्स को मारोगे। गेम के अंदर आप लोगों को 12 चैप्टर देखने को मिलते हैं एंड अगर आप इसका प्रीमियम परचेस करते हो तो आप लोग 21 चैप्टर खेल सकते हो। एंड यहाँ पर भी आप लोगों को स्टोरी के अंदर काफी सारा मिर्च मसाला देखने को मिलेगा। कुछ सिचुएशन तो ऐसी होंगी जहां पर आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यार गेम बहुत ही ज्यादा शानदार है एंड बात करें गेम के ग्राफिक्स की वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल जाते हैं। तो यार ओवरऑल गेम बहुत ही औसम है, आप लोग इस गेम को भी एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो क्या यार तुम्हें पता है बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम का अवार्ड किसको मिला है? यस, लिस्ट में आने वाले जो सेकंड नंबर का गेम है फॉरलाइट 84 को। ये एक बैटल रॉयल गेम है। आप में से काफी सारे लोगों ने इस गेम को खेला होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा। और जिन्होंने नहीं खेला है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपको BGMI के साथ साथ फॉरनाइट का भी एक्सपीरियंस देगा। और कुछ लोग तो इसको फॉरनाइट की कॉपी भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल जेट पैक देखने को मिलेंगे, डिफरेंट हीरोज देखने को मिलेंगे, हर हीरो के पास एक स्पेशल पावर होगी जिसका यूज करके आप लोग इजीली एनिमी को किल कर सकते हो। यहाँ पर आपको आर्म्ड व्हीकल्स देखने को मिलेंगे जिनको यूज करके आप लोग ग्राउंड पर तो तबाही मचाओगे ही यार, इसका यानी आसमान में भी तबाही मचा दोगे, बूम बाम कर दोगे। गेम के अंदर न्यू इवेंट्स, बैटल पास और भी मिशन आते रहते हैं जिनको कम्प्लीट करके आप लोग स्पेशल रिवॉर्ड को जीत सकते हो। और यार पर्सनली मुझे गेम बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, इसके ग्राफिक्स, इसका गेम प्ले सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो यार अगर आप लोगों ने गेम खेला है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा, और नहीं खेला है तो आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो गाइस लिस्ट वन वाले जो फर्स्ट नंबर का गेम है उसका नाम है रिवर्स 1999। गेम आपको ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा एंड गेम का साइज आप लोगों को 2.2 GB के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब यार गेम की स्टोरी बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है क्योंकि आप लोग यहां पर टाइम ट्रेवल करने वाले हो एंड गेम की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जाकर गेम को खेलो, आपको पता चल जाएगा कि गेम की स्टोरी कितनी ज्यादा तगड़ी है। गेम के अंदर आपको काफी सारी मिस्ट्री देखने को मिलती है, आपको एक सिनेमेटिक एडवेंचर देखने को मिलता है जहां पर आपको फुल इंग्लिश वाली वॉइस एक्टिंग देखने को मिलेगी। गेम के अंदर इवेंट्स भी चल रहे हैं तो फटाफट से जाओ गेम को ट्राई करो एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको गेम कैसा लगा। यहां तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच एंड जिस हिसाब से चैनल चल रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि मैं ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाऊंगा क्योंकि काफी टाइम से डाउन ही चल रहा है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। बट अगर कोई भी कमी लग रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, प्लीज प्लीज और प्लीज के अलावा क्या बोलूं, कृपया करके बता दिया करो। बात करके गेम के ग्राफिक्स की वो भी बहुत ही ज्यादा तगड़े, तो यार ओवरऑल गेम बहुत ही ज्यादा तगड़ा, आप लोग इस गेम को भी एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो यार बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप हमारा सेकेंड चैनल शॉर्ट का जो चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर सकते
सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, मैं वहां पर भी गेमिंग की अपडेट देता रहता हूं और बहुत ही तगड़ी तगड़ी शॉर्ट्स अपलोड करता रहता हूं। आप लोग एक बार देख सकते हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ यार मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट ज़रूर करना, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।